हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ गुजरात स्टेट की इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसीज़ के बारे में, जो अभी निकली है विद्युत सहायक की जूनियर इंजीनियर वैकेंसी। इसके अंदर आपने जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, एनवायरमेंट, मेटलर्जी एंड सिविल, ये सभी ब्रांच वाले इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर अपनी जो गुजरात स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल पोस्ट है 110। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोस्ट है, अब इसके बारे में बताना जाने वाला हूँ कि जूनियर इंजीनियर को जूनियर इंजीनियरिंग में कौन कौन भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं, क्या इसकी वैकेंसीज है, कितनी इसमें पोस्ट किस किस हिसाब से किन किन ब्रांचों को डिवाइड की गई है और क्या इसके लिए योग्यता रहेगी। ठीक है, ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो हमारा चैनल है और जो हमारी वेबसाइट है, इसके बारे में ये आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएगा। किसके बारे में? विद्युत सहायक के लिए। वीडियो लेक्चर जो होते हैं यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं विद्युत सहायक के कंप्लीट स्टडी नोट्स, जो कि आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर के रूप में। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। ठीक है, बताता हूँ आपको वैकेंसी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट, डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस दिन ये वैकेंसी आई और किस दिन से फॉर्म भरने शुरू होंगे। ठीक है, पब्लिकेशन किस दिन से फॉर्म चालू हो रहा है, यह 6 तारीख से, 6 नवंबर 2017 से। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, ये 6 नवंबर से फॉर्म चालू हो रहे हैं तो अब 6 नवंबर के बाद में क्लोज कब होगा इसकी, जब मैं बता देता हूँ, पहले क्लोजिंग डेट अलग होती है और फिर पेमेंट जो एक्सेप्टेशन डेट होती है वो अलग होती है। पहले क्लोजिंग डेट देखेंगे हम 26 नवंबर। ठीक है, अब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड डेट, भाई किस तारीख तक ये पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे अपने फॉर्म का, ठीक है, वो है 28 नवंबर 2017 तक ये पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, मतलब जो आपकी फीस है, जो फॉर्म फीस है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब ये भी बता दूं, ये पेमेंट जो पेमेंट एक्सेप्ट होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही अपन पेमेंट जमा करवा सकते हैं चालान के द्वारा। मैं आपको बता रहा था फीस के बारे में। ठीक है, फीस जो होगी इसकी जनरल कैटेगरी के लिए ₹500। ठीक है, और SC ST इसके लिए है ₹250। ठीक है, अब ये बता दूं मैं, जो ये फीस है ये जमा होगी ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी अपने पास पेमेंट सोर्स होते हैं UPI, उनके थ्रू होगी। और ये होगी किसको? सिर्फ SBI पेमेंट, जो मैंने यहाँ लिखा है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पे ही जाएगी ये। ठीक है, अब आगे बताता हूँ मैं इसकी फिक्स्ड रिक्यूनेशन पर मंथ। ठीक है भाई, कितना पे करेंगे ये पर मंथ। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर ये आपको देंगे खाली ₹21,550। ये फिक्स्ड रहेगा एक साल के लिए आपके लिए, भाई ₹21,500 ही देगा। सेकंड जो दूसरा साल होगा, सेकंड ईयर, वो रहेगा आपके 23,550। ठीक है, इसके बाद में और कुछ ये बढ़ाते हैं तो वो रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर होगा वो फिक्स्ड रहेगा। मतलब ये मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये जो स्लॉट है पहले साल और दूसरे साल, ये जो सैलरी बेस है ये सेम ही रहेगा, भले कुछ भी हो जाए, भले कोई सा वेतनमान आ जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, क्या मैं बताता हूँ इसमें एज लिमिट के बारे में। GCL के लिए एज लिमिट जो होती है अनरिजर्व के लिए 35 साल फिक्स करी हुई है, या अब तक की जो वैकेंसीज है उसमें सबसे ज़्यादा हाइयर है भाई, अनरिजर्व के लिए 35 साल दी गई है और SC ST के लिए 40 साल दी गई है। अब इसके बाद में हमें बात करते हैं इसमें रिलैक्सेशन के बारे में। फीमेल्स कैंडिडेट्स जो अपने यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो रखी है उसके बाद में ये आपको दे रहा है 5 साल। ठीक है, और जो फिजिकल हैंडीकैप जो लोग होते हैं, सॉरी PWD फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, उसके लिए दे रहा है 10 साल। ठीक है, जो एक्स पर्सन जो होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं या फिर VRS लेके आते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए
जो मतलब छूट दे रखी है एज के लिए वो भी 10 साल है। डिपेंडेंट ऑफ रिटायर एम्प्लॉय फॉर GUVNL गुजरात जो विद्युत निगम लिमिटेड है उससे अगर कोई रिटायर्ड होता है उसका एम्प्लॉय, उसके लिए भी 40 साल, मतलब अप टू एज, मतलब 40 साल तक उसको भर सकता है। मतलब यहाँ टोटल कितने साल तक दे रखी है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी कंसाइडर्ड एस 45 ईयर्स। मतलब टोटल कितनी दे रहा है, ये 45 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन दे रहा है। ठीक है, आपको बता देता हूँ भी कि इस विभाग के अंदर जो कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस हिसाब से भाई वितरित की गई है, बांटी गई है। सबसे पहले बात करते हैं जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर को कहा गया है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो है डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 45 पोस्ट है। इस मतलब इस डिपार्टमेंट में सबसे हाई ज़्यादातर जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों को लिए और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए कौन कौन सी, कौन भर सकता है इसके लिए। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, यहाँ लिखा फुल टाइम रेगुलर BE और BTEC इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब एक मान्यता प्रमाणित संस्था द्वारा BE या BTEC उसका होना चाहिए फुल टाइम। ठीक है, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब यही सेम योग्यता बाकी सबका, बाकी सबके लिए भी है। इसमें मैकेनिकल के लिए है 41, मतलब 41 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल के लिए है 12 पोस्ट। एनवायरमेंट के लिए है सिंगल 1 पोस्ट। मेटलर्जी के लिए 1 पोस्ट और सिविल के लिए है 10 पोस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें जो डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी थी उसके अंदर पता चल गया भाई कौन सी पोस्ट किसी के लिए डिवाइड की हुई है, कितनी कितनी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो विद्युत सहायक का जूनियर एग्जाम, जो जूनियर इंजीनियर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट GK और दूसरा कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पे जो आपका ब्रांच है उस सब्जेक्ट के बेस पे। यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो सब पहला हो रहा है, इसके अंदर जनरल नॉलेज में मतलब जो मेनली आता है जो GK है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, एनालिटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इनको इस पर काउंट किया गया है जनरल नॉलेज में और कोर सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट में आ गया आपका जैसे इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल आ गया, मैकेनिकल से मैकेनिकल, सिविल से सिविल, से मेटलर्जी तो मेटलर्जी, एनवायरमेंट एनवायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल से इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई, पता चल गया भाई किस हिसाब से पेपर आएगा। ठीक, बता देता हूँ थ्योरी टू प्रैक्टिकल की कोचिंग के बारे में जो किसके लिए हो रही है, विद्युत सहायक जो 2017 का एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके अंदर भाई किस हिसाब से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस ब्रांच के लिए, इसके लिए, इस पेपर के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जो होते हैं जो भी अपने डाउट्स होते हैं इसके लिए विद्युत सहायक की एग्जाम के लिए, उस कहाँ से मतलब प्राप्त कर सकते हैं, 9588243098 पे कॉल करके। ठीक है, इस पे नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी क्वेरीज होगी, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सबको सॉल्व किया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब आपके जैसे अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं जैसे SMS या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप अपना एग्जाम नेम जैसे विद्युत सहायक लिखा, मैकेनिकल आपकी ब्रांच लिख दी, आपका नेम लिख दिया अमित कुमार, आपकी सिटी लिख दी जैसे लखनऊ है, गुजरात है, अहमदाबाद है, तो जो भी है वो लिख के हमें जो 9588243098 इस नंबर पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कॉल नहीं कर सकते, कॉल करके भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बताता हूँ मैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के जो हमारे विद्युत सहायक का प्रिपरेशन जो करवा रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन उसके लिए। ठीक है, ये जो प्रिपरेशन करवाएंगे हम, ये आपको प्रोवाइड होगा वीडियो लेक्चर के थ्रू। ठीक है, वीडियो लेक्चर में क्या होता है, जैसे आप वीडियो लेक्चर को चलवा हमारे यहाँ से लेते हैं इसकी तैयारी के लिए, तो वो आपके पास में एक तो मेटेरियल जो भी आपका GK GS मैथमेटिक्स जो रीजनिंग और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका जो मतलब सब्जेक्ट मतलब लेते हैं कोर्स, तो उसकी वैलिडिटी आपके लिए एक तो लाइफ टाइम होगी। ठीक है, वैलिडिटी क्या हुई आपकी, लाइफ टाइम रह गई। ठीक है, अब लाइफ टाइम रह गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई कोचिंग करते हैं 3 से 6 महीने की कोचिंग होती है। ठीक है, वो कोचिंग आपके खाली उस समय तक ही काम आती है जब तक आप कोचिंग करते हैं, इसके बाद आपकी कब काम आएगी, जब आप उसको ध्यान नहीं दोगे या फिर उसकी तैयारी नहीं करोगे तो उसके बाद में वो कोई काम की नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक
ठीक है, 3 से 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा जो कोर्स है वो क्या है, लाइफ टाइम है। आप कहीं भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी लाइफ टाइम रहेगा। और जो हमारी फ़ीस होती है वो बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस होती है, ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा भारी भरकम फ़ीस है भाई, जैसे 15-20 हज़ार 30 हज़ार कुछ ऐसी फ़ीस नहीं है, बहुत नॉमिनल फ़ीस मिलती है हमारे यहाँ। और ये बता दूँ जो वीडियो लेक्चर होते हैं वो आपको प्रोवाइड होते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, उसको आराम से बैठ कर याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई किताबी जो कीड़ा जो होता है उस हिसाब से याद नहीं कर सकते। जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर, पीसी और लैपटॉप के अंदर, मतलब इन डिवाइस के अंदर जो वीडियोज़ जो होते हैं आराम से देखे जा सकते हैं, तो इनमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी जो क्वेरीज होती है उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने नंबर लिख रखा है 9588243098। ठीक है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के नाम से सर्च करके, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हमारे वहाँ पे डेमो वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। ठीक, धन्यवाद।